उधर काफ़ी भीड़ थी दोस्तों, तो मैं इधर आ गया हूँ खाने। और हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ मृदुल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मलाई मार के में। आज लगभग टाइम अभी 3 o'clock हो गया है और मुझे थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा लंच से पहले मैंने उस दिन फूड कोर्ट आपको नहीं दिखाया था क्योंकि वो भैया थे नहीं, मैं जल्दी आ गया था और आज शायद वो भैया आ गए, तो आज मैं इडली खाने जा रहा हूँ उन्हीं के यहाँ। उधर काफ़ी भीड़ थी दोस्तों, तो मैं इधर आ गया हूँ खाने। और ये 30 रुपये की भैया की प्लेट है, 4 इडली है और ये रायता दिया हुआ है भैया ने, और एक ये नारियल की चटनी है और इसके साथ एक बड़ा है और ये भी कुछ भज्जी है बड़ा ही टाइप का, तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। वैसे बहुत टेस्टी मुझे यहाँ का पसंद है, परफेक्ट, बड़ा भी काफ़ी क्रंची है। ये मील एक आदमी के लिए लंच के लिए एकदम इनफ है। अभी के लिए दोस्तों मैंने लंच कर लिया है, ये देखिए शायद चर्च है ये कोई, हाँ, और मैं बाई वॉक जा रहा हूँ। अब मुझे लंच की ज़रूरत नहीं है और जो लंच मैंने बनाया था वो डिनर में यूज़ हो जाएगा। पता नहीं क्यों मेरा कैमरा जैसा डल सा हो रहा है, क्या इशू है? हाँ, कैमरा ठीक हो गया दोस्तों, एक्चुअली उसमें उंगली लग गई थी उसके लेंस में, तो इसी वजह से प्रॉब्लम था। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा घर है पूरा। तो अभी मैं थोड़ा टहलते हुए जा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पे और खूब ठंडा सा माहौल है और खूब अच्छी सोसाइटी है। ऐसी सोसाइटी में रहने को मिले तो मज़ा आए, इसीलिए जन्नत बोला जाता है बेंगलोर को। मैं तो ऐसे ही टहल के, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही टहल के पीस मिलती है। तो चलिए हम अपने रूम पर मिलते हैं आपसे, अब जाते हैं अपने रूम पर। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही स्ट्रीट फूड और हमारी लाइफ के बारे में आपको दिखाते रहेंगे। और हमें भी कमेंट करके बताइए आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, इससे हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।